तो हेलो वेलकम बैक टू गाइस अनदर गेम प्ले वीडियो। जहाँ पर देखो आज की हमारी इस वाली वीडियो का टॉपिक है GTA 5। और GTA 5 में जो है इस वाले गेम प्ले का मिशन जो है बहुत ही आपको मज़ेदार और औसम लगने वाला है। तो देखो सबसे पहले ना हम स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उतना काम करते हो तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वाली वीडियो का टॉपिक। जहाँ पर देखो पर डे और रेगुलरली ऐसी वीडियो आती रहती है यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में। जहाँ पर देखो एक जी टाइप नाम का एक व्हीकल है, एक कार है जी टाइप नाम की, जो कि बहुत ही महंगी है और बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में पड़ी है। जो कि बिजनेसमैन जो है इस घर में से निकल के कहीं जाने वाला है, किसी होटल में रुकने वाला है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो गिराज में जैसे रखेगा तो हमें उसे उठा के जो चोरी करके डिलीवरी करनी है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। हमारा जो है जिसने हमें मिशन दिया है वो एयरपोर्ट पे खड़ा है, ऐसा कुछ यहाँ पे सीन क्रिएट हो रहा है। तो जैसे तैसे करके जैसे यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर पे हमें जो है इस वाले मिशन का जो नाम है वही वो है कि ऊंचाई से आपको आंखों से देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करके इस मिशन का भी नाम है ऐसा कुछ करके। तो जैसे तैसे करके हम यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं कि कहाँ हमें वो मिलेगा, तो अभी जो है देखने की कोशिश पूरी की पूरी हमारी जारी है कि वो सारे के सारे जो है मतलब कि बिजनेसमैन का वो घर कहाँ पर है। तो यहाँ पर ना देखो गाइज बहुत बड़ा मतलब कि सिक्योरिटी हाई करके रखी है, तभी जाके हमने यहाँ पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। मतलब समझ रहे हो ना कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी को मतलब कि यहाँ पर जो है मेंशन करके रखा हुआ है बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर। तो एटलीस्ट तो उसके अंदर से व्हीकल चोरी करके लानी है, तो आप समझ रहे हो कि मतलब आसान तो नहीं है। तो यहाँ पे अभी जो फ्रैंकलिन नीचे खड़ा है, तो फ्रैंकलिन नीचे खड़ा है तो वो भी जो गाड़ी चलाएगा और गाड़ी चलाएगा फ्रैंकलिन, तो हमें उससे बताना है सारा का सारा टारगेट। यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर में हम है जो कि ट्रेवर है, माइकल को यहाँ पे जो है इस मिशन के बारे में पता भी नहीं है। ट्रेवर है और यहाँ पर फ्रैंकलिन है, दोनों के दोनों है। और यहाँ पर जो है ट्रेवर ये बताएगा फ्रैंकलिन को कि कहाँ पर जो सुरक्षा है, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड जो कहाँ पे खड़े कहाँ नहीं खड़े, तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर जो है सारी की सारी डिटेल यहाँ पे जो है ट्रेवर बताने वाला है। और यार माइकल यहाँ पे इस वाले मिशन को चोरी करने में मतलब इस वाली व्हीकल को चोरी करने में अंजाम देने वाला है। तो अब बारी है बिजनेसमैन के घर को ढूंढने की। फिर आई डोंट नो बिजनेसमैन का कोई घर है या फिर कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे शो ऑफ करने वाला है, मतलब कि समझ लीजिए ना कि बहुत बड़ा व्यापारी है। तो घर तो नहीं है, शायद ये इसका एक होटल हो सकती है या फिर अपार्टमेंट हो सकता है। बड़ी बड़ी लड़कियों को लाता है और यहाँ पे जो डिस्को डांस करवाता है ऐसा कुछ करके जो अंजाम देता है, मगर हमारे से उससे जो है कोई मतलब नहीं है। वो बिजनेसमैन का घर ही कह सकते हैं हम, जहाँ से हम ऐसे वाली व्हीकल को चोरी करना है। देखो यहाँ पे ऐसे ही आपको जो ऐसे नहीं करना है कि बिजनेसमैन के घर के अंदर घुस जाओ चोरी करो, नहीं ऐसा बिल्कुल भी इस वाले मिशन में मत करना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बिजनेसमैन की मर्जी है। जैसे वो घर से बाहर निकलेगा अपनी जी टाइप कार को लेकर, तो जी टाइप कार को लेकर जैसे ही निकलेगा तो आपको हेलीकॉप्टर से आपको फॉलो करके यहाँ पे फ्रैंकलिन को बताना है कि ये कार इस तरफ से गई है, ये कार इस तरफ से गई है, ऐसा कुछ करके आप यहाँ पे फ्रैंकलिन को बताना है। बस वही काम करना है आपको, वहाँ पे गलती भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपसे, वरना आपका मिशन जो है वो फेल भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से इस वाले मिशन को जो रीड करना देखना, या फिर गेम प्ले आप कर रहे हो और आपने हमारे मिशन को आके देखा है तो देखो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वाले मिशन को आपको ध्यान से प्ले करना पड़ेगा। अगर आप एक प्लेयर हो या फिर एक प्ले स्टेशन प्लेयर हो या फिर PC प्लेयर हो तो इस वाले मिशन को ध्यान से प्ले करना। जब देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हमारी वीडियो को देखता है तो उनके लिए जो दिल से ऐसे धन्यवाद कह रहा हूँ, मतलब कि दिल से लाइक करता हूँ उनको, उन भाइयों को। जब देखो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, जब देखो इनके पास कोई थॉट ही नहीं है GTA 5 को प्ले करने का या फिर ऐसा कोई कॉन्सोल ही नहीं है और तब भी जाके जो हमारी वीडियो को आके प्ले करते हैं, तो उनके लिए जो दिल से लाइक भी करता हूँ, मतलब कि दिल से ऐसे सैल्यूट करता हूँ, थैंक्स भी बोलता हूँ और इसी उम्मीद भी रखता हूँ। जब देखो आप भी कभी ना कभी प्ले कर पाओ GTA 5 को अपने कॉन्सोल में, जब देखो ज़रूर से ले पाओगे। तो अभी बात करते हैं अभी मिशन के बारे में। तो ये जो है उसका फार्म हाउस कह सकते हैं या फिर होटल कह सकते हैं या फिर घर कह सकते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि सिक्योरिटी बहुत ही हाई है और हाई लेवल पे सिक्योरिटी अभी जा रही है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो यहाँ पे 3 जगह पर जो तीन सिक्योरिटी यहाँ पर रखी हुई है। जैसे कि यहाँ पर जो है एक तो यहाँ पर एक बंदा ये खड़ा है, जैसे कि आपके सामने मुझे रिजल्ट देख के जो चेक करना है, सर्च करना है उस वाले बंदे को जिसके पास जी टाइप की व्हीकल है, जेड टाइप की कार है, उसको मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। उसे ढूंढने में बस दिक्कत कुछ नहीं,
यहाँ पे आपको जो ब्लू टाइप के जो डॉट दिख रहे हैं ना, ब्लू टाइप के जैसे आपको मैप में, मतलब कि मैप में नहीं, स्क्रीन में जो ब्लू टाइप के डॉट दिख रहे हैं वो समझ लीजिए कि वो बंदे हैं, जिसे आपको सर्च करके देखना है कि क्या इसके पास जी टाइप की कार है या फिर इसके पास जी टाइप की कार है, ऐसा कुछ करके जो यहाँ पे शायद बिजनेस मैन है, वो कह सकते हैं बहुत बड़ा बिजनेस मैन है, व्यापारी है या फिर ऐसा ही तो कुछ कह सकते हैं। जहाँ पर देखो इन्हीं के पास अच्छी अच्छी व्हीकल रही होगी, तो यहाँ पर डील ये हुई है कि इस वाली व्हीकल को चोरी करने के बाद मुझे हमारे बॉस को देना है। जापान देखो हमारा बॉस एयरपोर्ट पे खड़ा है, वेट कर रहा है हमारी इस वाली व्हीकल को चोरी करने के बाद जो एयरपोर्ट पे पहुंचाना है, डिलीवरी देनी है। तो यार समझ लो यार, चोरी करने में और एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, कितना खुदगर्ज आदमी है समझ लो, चोरी करके जानी है उसमें भी वेट कर रहा है और कितना भी चिल्ला रहा था फ़ोन में। अभी आपने देखा नहीं होगा शायद, जब यहाँ पर फ्रैंकलिन आया था मोटरसाइकिल में, तब भी यहाँ पर फ़ोन पर बात हुई थी कि मैं वेट कर रहा हूँ ऐसा कुछ करके एयरपोर्ट पर, और व्हीकल को चोरी करने के बाद तुम्हें एयरपोर्ट पर लानी है। तो हमें जो है वो वाला बंदा तो मिल चुका है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो हमारा टारगेट हमें मिल चुका है, और यही जी टाइप की व्हीकल को निकालने वाला है। जी टाइप की व्हीकल को निकालने के बाद जो यहाँ से निकलेगा और हमें जो है जी टाइप की व्हीकल को यहाँ से फॉलो करना है। तो इस वाले बंदे को हमें जो पूरा का पूरा रीड करके देखना पड़ेगा एक बार, तो कहाँ से जा रहा है, कैसे जा रहा है, सारे के सारे उसके स्टेप जो है हमें फॉलो करके यहाँ पर रखने पड़ेंगे, वरना हमारा मिशन मैंने आपको बताया ना कि फेल हो जाएगा ऐसा कुछ करके। यहाँ पे यहाँ से तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आ चुका है रेड टाइप का, रेड डॉट का, और यहाँ से शायद ये वाला जो बंदा है वो व्हीकल को लेके शायद निकलने भी वाला है, उसका काम शायद यहाँ पे निपट गया, शायद बिजनेस के सिलसिले में आया होगा या फिर समझ लो कि फार्म हाउस है या फिर उसका घर है, आई डोंट नो गाइस, मुझे तो उतना तो पता नहीं है। तो जैसे जैसे करके यहाँ तक तो आ चुका है, मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से जो है व्हीकल में बैठेगा, व्हीकल को बाहर निकालेगा, और व्हीकल को बाहर निकालने के बाद का सीन वही है कि उसकी व्हीकल को हमें फॉलो करना है, और फॉलो करके जो ट्रैक करके यहाँ पे हमें फ्रैंकलिन को बताना है कि इस जगह से गई है, इस जगह से गई है। जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो यहाँ पे फ्रैंकलिन जो है वो आगे की तरफ आ चुका है, वो जो रेड मतलब कि जो वाइट कलर की गाड़ी है वो तो फ्रैंकलिन की है, वो तो कोई बात नहीं। और यहाँ से जो जी टाइप की अभी, जैसे कि आप सामने की तरफ देखना है, ये जो जी टाइप की अभी जो व्हीकल निकली ये निकली, और अभी जो जी टाइप की ये वाली व्हीकल जो निकल के गई है हमें उसे टारगेट करके फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करके जो हमें फ्रैंकलिन को बताना पड़ेगा कि इस रास्ते से गई है, इस रास्ते से गई है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे जो फ्रैंकलिन उसे फॉलो भी कर रहा है और करने लगा है, तो यहाँ से जो है मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा धीरे धीरे करके। और यहाँ से जो है हमारा हेलीकॉप्टर का काम जो यहाँ से ही नहीं बंद होता है, मतलब कि यहाँ से जो है समाप्त नहीं होता है। हेलीकॉप्टर का काम ये है कि यहाँ पे जो है जिस गैराज में वो जी टाइप की व्हीकल को रखेगा तो उसमें जो है बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज़ रहेगी, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को जो सिक्योर करने में जो है रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो उनको जो है उनके चंगुल से जो है बचाना है और इस वाली जी टाइप व्हीकल को यहाँ पे चोरी करके ले जाना है। तो अभी जो है क्या सीन क्रिएट होता है, देखो गाइस यहाँ से पतली गली से जी टाइप निकल गई है, मतलब समझ रहे हो कि इससे पता चल गया है कि यहाँ पे जो है गाड़ी को चुराने के लिए लोग भाग आए हैं ऐसा कुछ करके। यहाँ पे शायद इसे पता चल गया तो इतनी स्पीड से ये भगा रहा है, मेरे हेलीकॉप्टर में भी ट्रैक नहीं हो रही है, मतलब कैमरे का व्यू भी जो है बिगाड़ रहा है इतना, मतलब कि यहाँ पे जो है ठोकरे टकरे मार के जो है ऐसा कुछ करके। और जापान देखो जिस भी मतलब कि बिजनेस मैन हमारा बॉस ने जो हमें मिशन दिया है, इसने भी यहाँ पे यही कहा है कि इस वाली गाड़ी को किसी भी तरह का डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना पैसे नहीं दूंगा, मिशन जो फ्री में करवाऊंगा, ऐसे कुछ करके यहाँ पे बातचीत हुई थी। तो कैसे भी करके यहाँ पे जो जी टाइप को हमें यहाँ पे मतलब कि चोरी करके यहाँ से हमें एयरपोर्ट तक पहुँचाना ही है, और ज़रूर से पहुँचाऊँगा। देखो गाइज ऐसा मत समझना कि इस वाले गेम प्ले में आपका भाई मिशन फेल दिखाएगा, मिशन पास दिखाएगा, मिशन सक्सेसफुल ही दिखाएगा। तो देखना गाइज क्या हम इस वाली व्हीकल को, जी टाइप व्हीकल को, कार को चुरा पाते हैं या फिर नहीं चुरा पाते। तो वीडियो जो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनने वाली है, तो इन तक देखना। तो यहाँ से हमने फॉलो करा था और मैंने आपको बताया ना कि गैराज में जाके जो छुप जाने वाला है गाड़ी के साथ, और यहाँ से जो है हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा विजन मोड का। जहाँ पे देखो भी फ्रैंकलिन को ट्रैक करके बताना पड़ेगा विजन मोड में, आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ कि सब कुछ आपको व्यू देखने को मिलेगा, चाहे बिल्डिंग के अंदर हो, बिल्डिंग के बाहर हो, बिल्डिंग के अंदर एक व्हीकल हो, बंदा हो, सब कुछ यहाँ पर जो दिखेगा विजन मोड को आप इस्तेमाल करते हो। तो विजन मोड का मुझे अभी बटन आएगा, उसे जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर विजन मोड को मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और विजन मोड को इस्तेमाल
इस्तेमाल करने के बाद जो आसानी रहेगी फ्रैंकलिन के लिए इस वाली व्हीकल को, जी टाइप कार को चुराने के लिए, जहाँ पर देखो बड़ी ही सावधानी से छुपा है और बहुत ही मतलब समझ रहे हो ना कि इतनी जल्दी से छुपा था, कहीं देर से मैं ढूंढने की कोशिश भी कर रहा था, मगर इतना बड़ा गैराज है, गाड़ी का पार्किंग गैराज है कह सकते हैं। तो फाइनली जाके मैंने फ्रैंकलिन को बता दिया है विजन मोड को इस्तेमाल करते हुए, जैसे ये सामने की तरफ ये गाड़ी में बैठा हुआ है। मुझे लगा था ये सारे के सारे लोग तो खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो गाड़ी में बैठा हुआ है मुझे उसके ऊपर शक था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, मुझे इसके ऊपर शक था, तो मैंने यहाँ पे इसे टारगेट करके बताया फ्रैंकलिन को कि तुम इसे चेक करके देखो अब एक बार कि शायद इसके पास ये वाली व्हीकल देखने को मिल जाए। तो फाइनली जाके हमारा यहाँ पे काम तो सक्सेस हो गया, फाइनली जाके हमें जो है जी टाइप की व्हीकल जो मिल चुकी है और सारे के सारे को टारगेट करके शायद आप फिनिश भी कर सकते हो, तो हो सकता है शायद आप फिनिश कर सकोगे, मगर यहाँ पर ऐसा मत करना क्योंकि करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, तो कर दिया मैंने, शायद इसे मार दिया, तो मार ही देना बेटर रहेगा क्योंकि आपके ऊपर पुलिस केस हो जाएगी अगर आप इसे ज़िंदा छोड़ दोगे तो क्या करें यार, इसके आपके ऊपर पुलिस खोज हो जाएगी, आपके ऊपर केस कर देगा। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर हमने जी टाइप व्हीकल को तो चोरी कर लिया, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सामने की तरफ आपको फ़ोन कॉल भी आ गया है कि जल्दी से जल्दी लेके आओ यहाँ पर जो है इस वाली गाड़ी के जो मतलब कि समझ रहे हो ना डीलर जो है खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, और एयरपोर्ट से दूसरी दुनिया पर लेके जाना है इस वाली व्हीकल को, एयरपोर्ट से जो है दूसरी जगह पर लेके जाना है, डिलीवरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है इस वाली व्हीकल का, जी टाइप कार है, तो जी टाइप कार नहीं आई डोंट नो बट मैंने GTA 5 में जो ऐसी कार जो पहली बार देखी है। ये कोई मोड नहीं है, देखो गाइस मैं आपको मोड नहीं बता रहा हूँ, ये वाला मिशन है और स्टोरी मोड में ये वाला मिशन आता है, और एक बार जो सर्च भी करके देख लेना, जहाँ पर देखो मैंने आपको वर्क थ्रू का जो डिटेल है वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वाले गेम प्ले का, जहाँ पर देखो आप ट्राई कर लेना, अभी मैं किसी मोड को इस्तेमाल करता हूँ, स्टोरी मोड है ये, जहाँ पर देखो अभी तो फिलहाल हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ हमें जल्दी से जल्दी बढ़ना पड़ेगा। टाइमर तो आपको नहीं दिया गया है, मगर यहाँ पर ध्यान रहे कि आपकी इस वाली जी टाइप कार को जो कोई क्रैच ना आए, उम्मीद रखना मतलब कि इतनी जो है सावधानी रखना कि क्रैच ना आए, हो सकता है आपका मिशन फेल हो जाए या फिर आपको अच्छे खासे पैसे भी ना मिले, फ्री में भी काम करवा सकता है ये। तो यहाँ पर जो है क्रैच मैंने कर दिए, क्रैच कर दिया था यार, क्या करें, देखो यहाँ पे आप सावधानी रखना, मेरे ऊपर तो छोड़ो यार, आप मेरी छोड़ो, मेरी तो कुछ भी अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आप अपनी हिसाब से जो सावधानी बढ़ोगे रखना जी टाइप को, अगर आपको अच्छे खासे पैसे मतलब के इस वाले मिशन को कमाने हैं तो इस वाले मिशन में पैसे भी दिए जाते हैं, आई डोंट नो फिर अगले मिशन में आपको दिए जाए, तो जैसे तैसे करके यहाँ पे जो है आपको एयरपोर्ट की तरफ तो लेके जाना है भाई, तोड़ दे यार तू तो मतलब छोड़ यार, तोड़ दे अपनी गाड़ी को जी टाइप को, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको जैसे तैसे करके अच्छी खासी गाड़ी मतलब चल रही है ना चलने वाले मतलब के जिंदा गाड़ी को लेके जाना है, मरी हुई गाड़ी को मत लेके जाना, समझ लो कि ब्लास्ट हो गई या फिर ब्लास्ट हो गई तो मिशन फेल ही है, तो जिंदा गाड़ी को लेके जाना अपने हिसाब से, थॉट बताना और कमेंट सेक्शन में कि भाई मैं आपको कब से बता रहा था क्रैश ना हो क्रैश ना हो, और मैंने ही क्रैश कर दी, तो यार आपको कमेंट में जो है कैसा लगा ये वाला मेरा फनी मोमेंट था या फिर पता नहीं मुझे आई डोंट नो क्या था ये, तो ऐसा कुछ करके आप ऐसी गलती मत करना। तो देखो यहाँ पे एयरपोर्ट तो ज़्यादा दूर नहीं है, कह सकते हैं दूर भी है ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब कि एयरपोर्ट जो आने वाला ही है, सामने की तरफ आपको एयरपोर्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, मतलब समझ लो कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे जो है सारे के सारे जो एयरपोर्ट के जो कर्मचारी है सारे के सारे मतलब कि एयरपोर्ट का जो स्टेशन है वो तो आ चुका है, मगर यहाँ पर एयरपोर्ट तो आ जाना चाहिए शायद मेरे हिसाब से, मगर यहाँ पर एयरपोर्ट तो यार आया नहीं, कब से हम जो है इस वाली येलो लाइन को मतलब कि इतनी बार से ख़त्म कर रहे हैं मगर तब भी जो एयरपोर्ट नहीं आया, तो कोई बात ना हम यहाँ से जो शॉर्टकट ले लेते हैं, यहाँ से हमारी गाड़ी जी टाइप को कार को जो यहाँ से कुदवा लेते हैं एक बार, शायद शॉर्टकट आ जाए, सामने की तरफ ही आपको एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो यार इतना लंबा लॉन्ग टर्न क्यों ले भाई, यहाँ से ही शॉर्टकट ले लेते हैं, तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को जो है जी टाइप कार को जो है एकदम से क्रैश करने वाला हूँ, समझ लो कि यहाँ से जो है शॉर्टकट लेने वाला हूँ, शायद शॉर्टकट नहीं लिया क्या मैंने, तो अरे यार क्या मतलब कि क्या करें यार भाई, छोड़ो यार मतलब यार गाड़ी भी ख़त्म हो जाएगी, मिशन फेल हो जाएगा, तो यार क्या करें, ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ से जो है हम हमारे मिशन को जो अंजाम फुली देना है, तो आपको जो है सावधानी से इस वाले मिशन को कंप्लीट करना है यार, अच्छी खासी तो गाड़ी पहुँचा ही देते हैं, जहाँ पर देखो ये वाला बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, और आपने शायद इस वाला मिशन में जो है हमारा दूसरा भी मिशन देखा होगा, जहाँ पर देखो नकली पुलिस बन के गए थे माइकल और ट्रेवर फ्रैंकलिन ने जो है रेसिंग का जो है नकली झूठा सा नाटक किया था रेसिंग लगाने का, जहाँ पर देखो दो बच्चे जो है फंस चुके थे उसकी जाल में, और दो बच्चों की अच्छी अच्छी व्हीकल हमने चुरा ली थी, सेम मिशन
मिशन और सेम जो है हमारा बॉस है यहाँ पे जो है जहाँ पे देखो एयरपोर्ट पे हमें बुलाया वो सेम ही है। और यहाँ पर एयरपोर्ट पे आने के बाद जो है यहाँ से हमारा मिशन जो है गाइस कंप्लीट भी हो जाएगा। सामने की तरफ आप देख रहे हो बॉडीगार्ड के साथ जो है हमारा बॉस खड़ा हुआ है और इस वाली व्हीकल को जहाँ पे डिलीवरी करनी थी तो ये भी यहाँ पे जो है हो चुकी है। पर हमारा बॉस जो है हमसे बहुत ही खुश है, मतलब के समझ लो एक दो क्रैश हो चुके थे, क्रैश हो गाड़ी में जो काले कलर की गाड़ी तो क्रैश हो गए यहाँ पे, कई बार हमारी गाड़ी ठुकी भी है तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे डाटा भी जा रहा है। और पैसों की बात है तो पैसे की बात यहाँ पे हो चुकी है अगले मिशन में तुम्हें अच्छा खासा पैसा दूंगा और इस वाले मिशन का भी हिसाब कर दूंगा ऐसा कुछ करके। आई डोंट नो इस बॉस का मुझे नाम तो नहीं है पता, शायद क्लिंट ऐसा कुछ शायद कहते हैं इसे, केविन वेस्टन कहते हैं इसे, जैसे कि बहुत बड़ा बिलियनर है मतलब कि समझ लो करोड़ों में नहीं खेलता है बिलियनों में खेलता है और ऐसी जो तुक्केबाजी जो करवाता रहता है फ्रैंकलिन माइकल ट्रेवर से तीनों के तीनों जो जोड़ी में रखता भी है और एक साथ मिशन भी करवाता है। जैसे कि आप सामने की तरफ देख रहे हो भी जो बिलियनर है ना तो पैसे भी नहीं देने वाला है, डेविन वेस्टन करके नाम है इसका। और इसके साथ जो इसकी सेक्रेटरी रहती है या फिर इसकी वाइफ है, आई डोंट नो सेक्रेटरी कह सकते हैं हम इसे, वो भी बहुत ही खुराफाती दिमाग वाली है, मतलब समझ रहे हो ना, मिशन करवाने के बाद जो है पैसे को लटवा देती है, पैसे भी नहीं देती ऐसा कुछ करके। तो गाइस यहाँ से हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है, डेविड वेस्टन यहाँ से प्लेन में बैठ के जो है यहाँ से निकल जाता है और डीलर के पास डील करने है अपनी जी टाइप कार को बेचने के लिए। तो यहाँ से गाइस हमारा मिशन जो है मैंने आपको बताया ना कि कंप्लीट हो जाएगा। और होपफुली देखो गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना उतना काम करते हो, तो एक अच्छा लाइक कमेंट जरूर करके जाना भाई की वीडियो में। जहाँ ना देखो पर डे रेगुलरली देखो आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएगी यूट्यूब चैनल विपुल गेमर्स में। तो अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वाली वीडियो का टॉपिक और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट बता देना। तो यहाँ से जो है रॉन्ग टर्न हमने ले लिया तो राइट टर्न हमें लेना है और यहाँ पर जो है येलो डॉट पर आने के बाद जो है हमारा मिशन मैंने आपको बताया ना कि कम्प्लीट हो जाएगा, तो अभी कम्प्लीट करके भी बताऊँगा और इस मिशन का नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी देखना है यहाँ पर जो येलो डॉट पर आओगे तो आपका मिशन जो यहाँ पर कम्प्लीट हो जाएगा और आई इन दिस स्काई यहाँ पर इस मिशन का नाम है। और मैं मिलता हूँ किसी के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।